जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, बिट्टू उस भयानक भूतिया गुड़िया से बचते हुए घास के पीछे छुप जाता है और वो गुड़िया उसे देख नहीं पाती और वहाँ से चले जाती है और बिट्टू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तथा कुछ दूर चलने के बाद बिट्टू को उसके कुत्ते बिल्ली की गुड़िया वहाँ पे पड़ी हुई दिखाई देती है और वह उस गुड़िया को उठा लेता है। बिट्टू के गुड़िया उठाने के बाद बिट्टू कुछ आगे कदम बढ़ाता ही है, तभी उसे वो भयानक गुड़िया फिर से आगे से आती हुई दिखाई देती है और बिट्टू बचते हुए उस लकड़ी के पीछे छुप जाता है। वो भयानक गुड़िया उसे इधर उधर देखती है पर वो बिट्टू को देख नहीं पाती। वो भयानक गुड़िया वहाँ से चली जाती है और बिट्टू तभी वो बिट्टू लकड़ी के गट्ठे के अंदर झांकता है और उसे तभी वह भयानक गुड़िया उसे दोबारा दिखाई देती है। बिट्टू डरा सहमा वहाँ से भागता है और कुछ दूर भागने के बाद वो वहाँ उस छोटी सुरंग में घुस जाता है और तभी वो गुड़िया उसका पीछा करते करते बिट्टू के पास पहुँच ही जाती है और बिट्टू वहाँ से भागना शुरू करता है और भागते भागते वो वहाँ गुफा से निकलता हुआ एक पुराने ट्रैक्टर के पीछे बिट्टू उस गुड़िया से छुप जाता है और वह भयानक गुड़िया बिट्टू को इधर उधर ढूंढती है पर बिट्टू उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि बिट्टू उस ट्रैक्टर के पीछे छुपा हुआ था। तभी बिट्टू हड़बड़ाहट में इधर उधर घूमता है और वो आगे चलने का निश्चय करती। भयानक गुड़िया पीछे से आती है और बिट्टू को